वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जाएंगे एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम है एलिमेंट और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एलिमेंट यूनाइटेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ, जहाँ पर ये रीजेनरेटिव फिनांस जिसे रफ़ी कहा जाता है उसकी बात करते हैं, उसके साथ साथ माइनिंग को लेकर बात की गई और कैसे आप यहाँ पर इन्वायरमेंट को एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। इन शॉर्ट एलिमेंट यूनाइटेड इज अ कंपनी वर्किंग टू फाइट डिस्ट्रक्टिव माइनिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड विद द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। दिस इज डन इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग पार्टनरिंग विद माइंस टू क्रिएट ऑल्टरनेट रेवेन्यू, क्रिएटिंग ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स सच एज NFTs एंड इंटरएक्टिव गेमिंग, माइनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स दैट इनकरेज एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड टोकनाइज कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम्स। यानी कि यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम एलिमेंट है उसे एलिमेंट यूनाइटेड के नाम की जो कंपनी है वो चलाती है, जहाँ पर वो जितने भी वर्ल्ड में माइनिंग होती है जैसे कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, मिनरल्स माइनिंग होती है, उन माइनिंग्स को ये रोकने की बात करते हैं। वहाँ पर चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाया जा सके इन सब चीज़ों को रोककर, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से करना चाहते हैं और यहाँ पर इसीलिए इन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट बनाए हैं जैसे कि NFT है, इंटरेक्टिव गेमिंग है, माइनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं और ऐसे ही टोकनाइज कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए इसके ऑफिशियल गवर्नेंस टोकन की तो उसे ELMT टोकन कहा जाता है, जो कि अगेन ERC20 टोकन है दैट हैज़ बीन ब्रिज ओवर टू द इथेरियम नेटवर्क फ्रॉम द नेटिव एलिमेंट ब्लॉकचेन। द एलिमेंट ब्लॉकचेन इज मैनेज्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ नोड ओनर्स एंड गवर्न बाय द एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिसे DGF का नाम दिया गया है, that is voted in and approved by the node owners. So Element United, the company, neither promotes the token nor handle its listing on exchanges and does not create liquidity. The company remain focused on building blockchain-based products and services. The company operate independently from the blockchain, aiming to navigate the intricate regulatory landscape with complete transparency and compliance. तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को समझा जाए तो जो यहाँ पर कंपनी है Element United, इसका किसी भी लिस्टिंग के साथ, किसी भी टोकनाइजेशन के साथ और कहीं पर भी लिक्विडिटी के साथ इनका कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनका जो फोकस है वो ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने को लेके, यानी कि जो भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, मेड बी NFT, मेड बी सर्विसेज, तो यहाँ पर एलिमेंट यूनाइटेड वो काम करती है। अब मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म माइंस अराउंड द वर्ल्ड इनटू क्रिप्टो सॉल्यूशंस। अब उस चीज़ को आप कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे माइन के बारे में बताया गया है, प्रूफ इज इन द प्लांटिंग। See how Element is already making an impact from British Columbia to South Africa. कैसे? How we certified our mines. यहाँ पर 41,000 protected acres को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, 1.2 million metric ton CO2 saved हर रोज किए जा रहे हैं, 5 plus partners mine जो इन्होंने अपने अंडर में लेके उसे बंद करवाया है काम का, 200 billion asset elements की बात करते हैं। तो ये भी कहते हैं कि just getting started over 200 billion allied assets over 5 mines, stopping destructive gold mining practice around the world is just the first step. जहां पर आप देखेंगे Wheaton Creek Chert mine को इन्होंने यहां पे रुकवाया है, जहां पर environment hazards और problem हो रही थी, वैसे ही Nyamongo gold mine जो आप देख पा रहे हैं इसको भी यहां पे इन्होंने रुकवाया है ताकि environment को नुकसान ना हो पाए, वैसे ही Mansion Creek gold mine जो अगेन इनके पास है, जहां पे इन्होंने पुराने जमाने से gold mining की जाती थी उसको भी कंजर्व किया है, यानी कि वहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की कि उसे रोक के कंजर्विंग द गोल्ड इन द ग्राउंड एंड यूजिंग द एसिड प्रेशियस एलिमेंट ऑफ द माइन टू क्रिएट अ फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट। यानी कि ओरिजिनल माइनिंग को रोक के डिजिटल प्रोडक्ट को लाके उस चीज़ को बनाया गया है। 103 बिलियन इन एसिड रेड ग्रेनाइट, शिपवैन रेड ग्रेनाइट माइन है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि दिस इज द फर्स्ट माइन टू कमिट एन एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ इन ग्राउंड एसेट्स टू द ब्लॉकचेन, इमीडिएटली सीजिंग माइनिंग ऑपरेशन इन रिटर्न फॉर एक्सेस टू द एलिमेंट यूनाइटेड डिजिटल इकोनॉमीज। ऐसे ही बालाबो गोल्ड माइन है, कुछ इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने इन सारे जो एक्शंस लिए गए हैं चीज़ों के ऊपर, यानी कि एनवायरनमेंट को सेव करने को लेके उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि होल अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पर एनवायरनमेंट तो कैसे हम सही रख सकते हैं, उसका कंजर्व कर सकते हैं, उसे प्लांटिंग से कर सकते हैं, और उस चीज़ को उन्होंने बार बार इस चीज़ को बता रहे कैसे हम प्लांटिंग या जिसे कह लीजिए कि नए पेड़ लगाने की ये बात करते हैं, विच इज़ इंसेंटिवाइज पॉजिटिव चेंज एंड हाउ दे विल फॉलो। जहाँ पर कार्बन ड्राइवर्स को जिसमें कस्टमर्स, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉय, बोर्ड मैनेजर्स, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, कॉम्पिटेटिव गवर्नेंस, NGO, कंट्रीब्यूटर मीडिया आते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक कोलैबोरेटिव एक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कनेक्टिंग क्लाइमेट एक्शंस विद एनवायरनमेंट केयर, जहाँ पर नए पेड़ लगा के एनवायरनमेंट को और अच्छा किया जा सकता है। सो फोर स्टेजेस ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोग्रेस, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च,
कम्युनिटी वॉइस, कंज्यूमर बिहेवियर, सिस्टमेटिक चेंज की बात करते हैं। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर पूरे एलिमेंट को बनाया गया और यहाँ पर रीजनरेटिव फिनेंस की बात करते हैं। रीजनरेटिव फिनेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से आपके सामने ये ब्लॉकचेन की हेल्प से चीज़ों को ला रहे हैं जहाँ पर आप इन पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ के एक अच्छी क्रिप्टो प्रोजेक्ट बना सकें जहाँ पे लोगों को आप नई चीज़ें दे सकें। सो रेफी और रीजनरेटिव फिनांस लेवरेज क्रिप्टो टू प्रमोट मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमीज, जिसमें सबसे पहला आता था ज्वेलरी ई वॉल्ट, गेट सर्टिफाइड एनएफटीज विद यूनिक आइडेंटिफाई इंडिकेटिंग व्हेन वेयर हाउ एंड व्हाई दिस एलिमेंट वर रिक्वायर्ड। दूसरा है वॉलंटरी कार्बन ऑफसेट्स हैं जो कि अगेन ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट डिसेंट्रलाइज वेरिफिकेशन इंपैक्ट है, जिसमें आप कार्बन ऑफसेट्स को जो है टोकनाइज करते हैं और डिजिटल एसेट्स को स्टोर में लाते हैं। एलिमेंट माइनिंग सर्टिफिकेशंस हैं जहाँ पर आप यहाँ पे अपने सर्टिफिकेशंस माइंस को कंफर्म करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनएफटी टेक्नोलॉजी को लाते हैं। ऐसे ही मार्केट प्लेस है विच इंडिकेट एलिमेंट सर्टिफिकेशन एनएफटी वेरीफाइड सस्टेनेबल प्रोवाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड डिजिटल रिसीट है। गेमिंग एंड एनएफटीज, वी इंडिकेट रियल वर्ल्ड डेटा फॉर ईच माइन, लेडर टेक्नोलॉजी इमेजरी लोकल लोअर 43-101 माइनिंग रिपोर्ट्स है। प्ले द गेम एंड अनलॉक रियल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने फीचर्स बताए गए हैं और तंजानिया में रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे कार्बन प्रिंट से इसको मुक्त किया है, यानी कि वी हैव सीज्ड माइनिंग ऑपरेशंस टू प्लांट 500 एकर्स ऑफ इकोलिप्टस एवोकाडो मोरिंगा एंड बैम्बू। तो वी एम टू ग्रो कार्बन स्टॉक्स फ्रॉम द अंडरस्टॉय टू कैनोपी फॉर जनरेशंस, वी हेल्दी क्रॉप यील्ड्स एंड ट्रेडिशनल इंटरक्रॉपिंग मेथड्स कंट्रीब्यूट टू दिस कम्युनिटी फूड सिक्योरिटी एंड हेरिटेज वेल्थ। तो ये एक शुरुआत है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरे इस सिस्टम्स को और अपने नोड्स को कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और इजीली इन चीज़ों के से आप जो आप माइनिंग करेंगे वो माइनिंग जो होगी वो एनवायरनमेंट को लेके सही रहेगी, वहाँ पे आप एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ एड्रेस वगैरह दिया हुआ है जो एलिमेंट इस पूरे क्रिप्टो का एड्रेस है। कुछ यहाँ पे इनके लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं। बात की जाए इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, विच इज़ @GoElementUnited है। एलिमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने बताया कि कैसे हमने कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको पे टिकट रेस किया था लिस्टिंग के लिए, जो कि हो चुका है, यानी कि कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ है। और रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे कुछ अपने AMAs और मीटिंग्स की थी जिसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, आप चाहें तो इन्हें भी चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कैसे इन्वायरमेंट को और अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, एलिमेंट इज द प्रोजेक्ट नेम, ELMT इज द टोकन नेम जो कि ERC20 टोकन है। करंट प्राइस इन रुपीज 0.1229 है, रिजन बाय 56.29% के हिसाब से देखा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए तो अभी वेरीफाई नहीं की गई है, लेकिन टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई जो है यहाँ पर दोनों ही डिफर करती, जहाँ पर मैक्स सप्लाई 50 बिलियन ELMT है और टोटल सप्लाई 531 मिलियन ELMT के करीब देखी जा सकती है। प्राइस परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑल टाइम हाई 11 घंटे पहले 0.1757 था, ऑल टाइम लो 20 घंटे पहले 0.07724 था, जो कि अभी 57.41% के हिसाब से राइज पर है। लाइव चार्ट को देख के लगता है कि कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इसने अपना ATH क्रिएट किया है जो कि अगेन 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जस्ट अभी ये कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको पे लिस्ट हुआ है। आप चाहें तो यूनिस्वैप वर्जन 3 इथेरियम में ELMT ऑब्लिक रैप ETH में से बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले प्रोजेक्ट को समझें। और हमारी ऐसे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं है इसे बाय करने की, ये आपको खुद देखना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेके आप इसमें निवेश करें। नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एनवायरमेंट को लेकर बात हुई है, रीजनरेटिव फिनांस को लेकर बात करते हैं, इसके साथ साथ नोट्स की बात करते हैं और माइनिंग की बात करते हैं। कुछ इस हिसाब से पूरे एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए और यहाँ पर ब्लॉकचेन की मदद लेके बहुत सारी चीज़ों को करने की बात करते हैं, टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय अ नोट। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने माइनिंग प्रैक्टिसेस को रोका है जो एनवायरमेंट के लिए खतरा साबित हुई थी, और यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट का यही एक एम है कि हम कैसे एनवायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हल्का सा अपडेट एलिमेंट यूनाइटेड और इसके ELMT टोकन के ऊपर हमने आपको दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।